नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समूह ख और ग की सरकारी नौकरियों में भर्ती के बाद 5 साल तक संविदा प्रस्ताव लेकर आ रही है। योगी सरकार के इस प्रस्ताव ने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है तो अब सत्ता पक्ष से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को रद्द करने का अनुरोध किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर संविदा प्रस्ताव में क्या है जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है। बता दें कि प्रस्तावित संविदा प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में समूह ख और ग के पदों पर 5 साल के लिए संविदा पर भर्ती की जाएगी। इसके तहत भर्ती होने वाले लोगों की नियुक्तियां पहले 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। इन 5 साल में हर 6 महीने पर एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कम से कम 60% अंक पाना अनिवार्य होगा। ऐसे में 2 छमाही में इससे कम अंक लाने वाले लोगों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं 5वें साल 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। संविदा पर नियुक्ति के दौरान मूल पदनाम के बजाय सहायक पदनाम दिया जाएगा। लेखपाल के लिए सहायक लेखपाल और शिक्षक के लिए सहायक शिक्षक। संविदा नियुक्ति के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही फिर उन्हें स्थायी तौर पर नियुक्ति मिल सकेगी। संविदा पर समूह ख और ग के नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवक अनुशासन व अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। यानी कि 5 साल तक उनको किसी भी तरह का सर्विस बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। बता दें कि योगी सरकार की नौकरियों में ये नई व्यवस्था गुजरात के फिक्स पे सिस्टम से मिलता जुलता है। गुजरात में इसे फिक्स पे सिस्टम कहा जाता है। यानी कि संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह फिक्स रहती है। 5 साल या जितने भी समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी तनख्वाह पर काम करना होता है। गुजरात में इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। 2006 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फिक्स पे नीति लेकर आए थे। इस दौरान नियुक्त होने वाले लोगों को मामूली सैलरी मिलती थी, जिसे 2012 में गुजरात हाईकोर्ट ने फिक्स पे सिस्टम को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और पूरा वेतन देने का आदेश दिया था। योगी सरकार के संविदा पर नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको बंधुआ मजदूरी बनाने वाला बताया है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। ये जले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा तो सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।